कोई फोन आ गया था तो लाइन कट गई थी। तो इंडियन जो भी मार्केट होते हैं, निफ्टी जो चलता है वो माइक्रोज एंड मैक्रोज पे चलता है। मैक्रोज मतलब इंटरनेशनल, ग्लोबल खबर, ग्लोबल की खबर है। जैसे कल एक अच्छी न्यूज़ आ गई कि पावेल साहब ने थोड़ा डविश व्यू दे दिया आगे के लिए, रेट हाइक के लिए, वो हॉकिश नहीं रहे, तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी इंटरनेशनल फैक्टर से। लेकिन माइक्रोज में हमारा क्या इवेंट चल रहा है, इलेक्शंस ऑफ गुजरात स्टार्टिंग टुडे। तो ये माइक्रो हमारा फैक्टर इन करेगा मार्केट में। अगर थोड़ा सा भी एग्जिट पोल अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट आया तो मार्केट को बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो हमारे माइक्रोज में ये बड़ा इवेंट है, और मैक्रोज में ऑलरेडी कल एक बड़ा इवेंट हो गया कि फेड वाले ने, लेकिन उसको इतना रिलीफ मत मानिए। अभी भी मामले वापस से रेट हाइक के आ सकते हैं। अगर 13 तारीख को वहाँ पे सीपीआई के डाटा थोड़े से भी बढ़ के आए तो 14 तारीख को जो उनकी रेट हाइक की डेट है वहाँ पे हाइक जबरदस्त भी हो सकती है। तो ये टेम्पोरेरी रिलीफ है, ये जो तेज़ी है ये भी टेम्पोरेरी है आज की, ठीक है। आज तो मैं बिंदा शॉर्ट मारना चाहता हूँ, और जो मुझे मुझे एडिशनल 100 पॉइंट मिल रहे, समझ लीजिए 80-100 पॉइंट ऊपर ही मारने मिलेगा, तो ये एक्स्ट्रा मिल रहा है। जबकि आपको पता था कि कल SGX आपने देखा भी होगा 100 पॉइंट माइनस में ही था। कल हमारे GDP के आंकड़े जैसा एक्सपेक्ट किया था उतना ही आए, 6.3 आए, 6.4 एक्सपेक्ट किया था, 8.4 से घट के, ठीक है, तो 6.3 आए। लेकिन वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में सब में काफ़ी बड़ा डाउनफॉल आया, तो GDP के आंकड़े ओवरऑल बहुत अच्छे नहीं आए, ठीक है। तो 6.3 पे आना तो ठीक था, 6.4 एक्सपेक्ट कर रहा था बाजार तो, लेकिन वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम गई है, तो वो सब इम्पैक्ट करेंगे मार्केट में। ओवरऑल देखिए आज प्रॉफिट बुकिंग का डे है जो बुल्स है उनके लिए, और हमारे लिए मौका है और पुट खड़े करने का, बस दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।